بسم الله الرحمن الرحيم. मेरे भाइयों, आप सबको इज्जत दे, हदीस सुनिए सही तरगीब की। घर से जो वजू करता है, मस्जिद में आता है, पैदल चल के आता है, वलम यरकब, सवार नहीं होता, इमाम के करीब होके बैठता है, गौर से सुनता है, लख बात नहीं करता, जुमा खत्म होता है, हर कदम के बदले अज्र सनतिन सियामुहा व क़ियामुहा, एक साल के रोज़े और एक साल की तहज्जुद का सवाब हर कदम के बदले मेरा मालिक उसे अता कर देता है। कभी को आध घंटा ऑफिस से भी लेट हुआ, कभी को लेट हुआ आध घंटा ऑफिस से, ज़रा कुछ चार छुट्टियां इस तरह करके देखें, बड़ा खूबसूरत टर्मिनेशन लेटर आपकी खिदमत में पेश हो जाएगा, बल्कि सलाम कह के पेश करेंगे कि ये लें जी आपका मोहब्बत नामा है, आप बेहतर है आराम ही कर लें, क्योंकि आपको आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे भाइयों, ये मौका है ज़िंदगी में नेकी करने का 8 दिन के बाद, और आप हैरान होंगे, हदीस में आता है जो फरिश्ते सवाब लिख रहे होते हैं कि इसने जो है वो ऊँट ज़िबा किया उसके बराबर इसको अजर, इसने गाय ज़िबा की इसके बराबर इसको अजर है। करते करते जब खुतबा शुरू हो जाता है, तौतिल मलाइकतुस सुहुफ, फरिश्ते वो रजिस्टर बंद करके वो भी बैठ के यस्तमीउन ज़िक्र, वो भी खुतबा सुनते हैं। वैसे भाई फेडरल एरिया है, शायद बाद में फरिश्तों को ईमेल कर देते हों जी मैं भी आ गया, मेरा नाम भी शामिल कर लें, ट्वीट कर देते होंगे, चलो व्हाट्सएप पे तो ज़रूर मैसेज भेजते होंगे ना, किस तरह नाम भेजते हैं। मैं बड़े ही अदब से दस बदस्त आपसे गुजारिश करूंगा आपकी खिदमत में, अगर मेरी ज़िंदगी 30 से 35 से 40 साल होगी है और मेरी आदत नहीं बनी कि मैं खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में आऊं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कमाया क्या है? मैं किस उम्मीद पे बैठा हूं कि आज मुसलमानों को जूतियों तले रौंदा जा रहा है, तो किस वजह से? इसी बदामली की वजह से। वो था सालिम, बैतुल्ला में बैठा था, वक्त का बादशाह आया और तवाफ करते करते रुक गया था, ये है सालिम, और आवाजें देता रहा या सालिम या सालिम, और सालिम ने देखना भी पसंद नहीं किया था। ये इस्तिग़नाइयत, ये बहादुरी आती उस वक्त जब इंसान के अंदर नेक अमल आता है, किसी की जुर्रत नहीं होती हाथ उठाने की, कब? जब अल्लाह की मदद आ जाती। अपने आप को बदलिए, दावे काम नहीं आएंगे, ना मेरे ना आपके, मेरे रब ने देखना है दिल में उसके मोहब्बत किसकी है, दुनिया की के आखिरत की। जब अल्लाह अकबर है तो अल्लाह अकबर का तो माना यह कि अल्लाह बड़ा है, फिर ऑफिस तो बड़ा नहीं है, फिर दुकान तो बड़ी नहीं है, फिर दोस्त तो बड़ा नहीं है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? सहाबाए किराम, उधर अल्लाह अकबर होती सवारी पैदा नहीं होता, कोई दुकान खुली होती, और ऐसे लोग भी गुजरे हैं। आपको पता है पुराने ज़माने में ह्यूमर तो नहीं होते थे ना, वो हथौड़ी से ही लोहा कूटते, पहले उसको घंटा फूंके मारते, जब बिल्कुल तैयार हो जाती मोल्ड करने के लिए तो हथौड़ा उठाते तो हो जाती अजान शुरू, अल्लाह अकबर वहीं छोड़ देते, कहते दोबारा घंटा आके दोबारा फूंके लगाएंगे, अब अल्लाह अकबर के बाद ये काम करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा।